आंटी और अंकल ने दोनों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ है, खाली मास्क पहना हुआ है। और ये ड्राइविंग स्कूल चालू यहाँ पे। ओहो हो, ऑलराइट साजिक ने आपने नई अपॉर्चुनिटी और एक नए मोटो व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है मेरे दोस्त। भाई साहब मेरे सामने खड़ी है एक बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली मैट ब्लैक कलर में 2021 सुजुकी जिक्सर SF 250cc में। और स्पेशली बताओ ये जो गोल्डन कलर का स्टिकर वर्क किया हुआ है दिखने में काफ़ी ज़्यादा कड़क। और ओवरऑल अगर आप यू नो बाइक का लुक एंड फील देखो तो स्पेशली ये जो मैं मैट ब्लैक कलर की बात कर रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा कड़क दिखता है यार। मैं जो आपको एक फ्रंट व्यू लुक दे दूँ तो आगे की साइड जो आपको पूरा का पूरा एक LED सेटअप मिलता है। और इस बाइक के जो ओनर है उन्होंने जो यहाँ पर अलग वाला क्या यहाँ पर जो लोग ने अलग से विंड वाइजर लगाया हुआ है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और साइड से मैं आपको एक और बार दिखा दूँ। सो ये दिखता है कुछ इस तरीके से साइड से। एंड दिस इज़ द बैक व्यू। काफ़ी ज़्यादा कड़क। और वंस अगेन दिस इज़ द साइड व्यू। तो साइलेंसर जो है बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं, छोटा बोल सकते हो। बट यहाँ पर जो आपको यहाँ पर दो आउटपुट वाला साइलेंसर देखने को मिलता है। सो अभी अपन जो तुरंत बैठ जाएंगे बाइक पे और मैं सुना दूँ आपको इसका एग्जॉस्ट नोट। उससे पहले हेलो बोल देता हूँ। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग इन 3, 2, 1 ज़ूप। क्या बात है। चलो अभी चला कर भी देख लेते हैं। ऑलराइट सो भाई बाइक में जो है पावर एम्पल ऑफ पावर है 250cc के हिसाब से, जो आपको काफ़ी अच्छा खासा इस बाइक में पावर मिल जाएगा। नाइस भाई बाइक जो है रेड लाइन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से होती है। रेव लिमिट जो है काफ़ी ज़्यादा हाई पे रखा हुआ है तो आपको जो इस बाइक को रेड लाइन करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाली है। और यू टर्न वगैरह मारने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। जैसे कि आपने देखा ऑल द वे टू 8000-9000 RPM तक जाते, मतलब आप सोच को आपको कितना होल्ड करके रखना पड़ेगा इस बाइक को। ब्रिलियंट। एंड स्पेशली बाइक जो है ऑलमोस्ट 6.5-7000 RPM के बाद बाइक का जो है मेन पंच बाहर आता है और थर्ड गियर के बाद मुझे पता नहीं इस बाइक को क्या होता है, बाइक बन जाती है बीस्ट मेरे दोस्त। और अभी अपन आते हैं बाइक के कंफर्ट में। भाई साहब ये जो है एक मिनी स्पोर्ट्स टूरर आप बोल सकते हो। बाइक के जो क्लिप ऑन से काफ़ी ज़्यादा ऊपर की साइड आते हैं, आपको हल्का सा मतलब हल्का सा आगे झुकना पड़ेगा। और अगर सीट्स की बात करूँ तो भाई सीट्स के जो पैडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा है तो आपका जो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग समझ जाओ। सो आपकी जो तो आपकी जो बैक रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा एक कंफर्टेबल पोजीशन में रहेगी और आपको जो है थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट भी लगेगा। सो आई थिंक सिटिंग पोजीशन जो है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और फुटपैक्स भी जो है बहुत ज़्यादा रेयर सेटिंग पे नहीं है बट हल्के से यस रेयर सेटिंग पे रखे हुए। और एक स्पीड ब्रेकर टेस्ट भी करके देख लेते हैं। ओके सो बाइक के जो सस्पेंशन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, मीडियम सेटिंग पे रखे हुए हैं। और वाइब्रेशंस आपको काफ़ी ज़्यादा फील होते हैं जैसे ही आप बाइक की रेव लिमिट बढ़ाते हो तो वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा लगेंगे इस बाइक में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया बाइक जो है ऑलमोस्ट 8-9000 RPM तो खींचना पड़ता है और एक बहुत ही खूबसूरत सा नेगेटिव डिजिटल डिस्प्ले मिलता है। और सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर भी मिलता है, आपको मिल जाएगा अपना स्पीड, भाई स्पीड का जो फॉन्ट है वो इतना ज़्यादा बड़ा है मज़ा आ गया। और आपको मिल जाएगा अपना RPM, पेट्रोल रेंज, किलोमीटर्स, टाइम और बाकी सारे के सारे फंक्शन जो आप यहाँ से टॉगल कर पाओगे। एक RPM शिफ्ट लाइट भी मिलती है जो वाइट कलर की है बट मैं उसको जलाने की कोशिश कर रहा हूँ बट वो जल नहीं पा रही है। विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा लगता है यार, मतलब ये विंड वाइजर तो ऑलमोस्ट ना के मतलब कुछ मतलब का नहीं है। और साइड भी मिरर्स आप देख पा रहे हो,
काफ़ी अच्छा खासा व्यू दे रहे पीछे, और काफ़ी ज़्यादा दूर भी है विच इज़ गुड। और ड्यूल चैनल ABS का सपोर्ट मिल जाएगा, ब्रेक टेस्ट करके देख लेते हैं। ओ यस, फ्रंट ब्रेक्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है यार, फ्रंट ब्रेक्स नाइस वन, नाइस नाइस नाइस, ब्रेकिंग इज नाइस। आपको यहाँ पर किसी भी तरह का स्लिपर क्लच का ऑप्शन नहीं मिलता। एक यू टर्न टेस्ट, गाड़ी बीच में आ गई, नो इश्यूज एट ऑल। ओह वाओ भाई, बाइक जो है काफ़ी अच्छे से यू टर्न वगैरह मारती है, स्पेशली पूरी बॉडी जब ऐसे हिलती है तो मज़ा आता है, जो कोई भी सुपर बाइक चलाते उसको पता होगा। और हैंडल बार पे आपको यहाँ पर पास लाइट, हाई बीम, लो बीम, टर्न सिग्नल, सॉन, और ये बाजू इंजन किल स्विच और पावर का बटन। क्या मैंने इंजन किल स्विच बोला या किल स्विच बोला? भाई साहब गियर शिफ्टिंग इस बाइक की मज़ेदार है। ओह माय गॉड, जैसे मज़ा आ गया भाई, 250cc के हिसाब से बहुत ज़्यादा पावर है। डाउन शिफ्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अटकता नहीं है। सिक्स स्पीड गियर बॉक्स मिलती है आपको, तो हाईवे वगैरह पे जो है टूरिंग वगैरह के लिए आपको ये बाइक काफ़ी ज़्यादा यू नो मदद कर देंगे, बट सामान वगैरह लटकाने के लिए आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पर जुगाड़ करना पड़ेगा। एंड इस बाइक से जो है आपको ऑलमोस्ट 30-35 की माइलेज मिल जाएगी, विच इज़ नॉट एट ऑल बैड। आई एम नॉट श्योर ये कितने लीटर का टैंक है, टैंक से याद है, टैंक शेप बाइक का काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है यार। मतलब आपके पांव जो अंदर टकिन मारते हैं, आपको सिर्फ जो है यहाँ पर थोड़ा वो टैंक पैड लगा दोगे तो आपके पाँव जो है ज़रा भी स्लिप नहीं होगा, आपके थाई स्पेशली। तो जैसे कि आपने सुना वो टिक 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 वाला जो साउंड आता है काफ़ी ज़्यादा कड़क। ओ बेंजी, बेंजी और अंकल ने दोनों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ है, खाली मास्क पहना हुआ है। एयरपॉड्स विदाउट हेलमेट एयरपॉड्स चिपक जाते हैं क्या? और ये ड्राइविंग स्कूल चालू यहाँ पे, ओहो हो, विदाउट हेलमेट ड्राइविंग स्कूल। नाइस वन यार, नाइस वन, मुझे बहुत अच्छा लगा इस बाइक को चलाकर। लुक एंड फील बाइक का काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। सो आई थिंक अभी मैं जो आपको मेरा वर्डिक दे सकता हूँ ऑन द जिक्सा 250 SF, और तो मैं कुछ भूल नहीं रहा हूँ जहाँ तक मुझे याद है। सो भाई ये बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहेगी अगर आपको संडे राइड्स करना है एज वेल एज सिटी में चलाने, और आपको एक पूरी फैड मोटरसाइकिल चाहिए जो ज़्यादा एग्रेसिव ना हो, कंफर्टेबल हो, पिलियन सीट। ओ यस, पिलियन सीट भी इसकी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, इज जस्ट दैट स्प्लिट सीट है, तो आपको जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत R15 वाला लुक एंड फील आ जाएगा। बाकी ओवरऑल बाइक इज़ फैंटास्टिक नाइस। तो जैसे कि मैं आपको बताया, अगर आपको सिटी में भी चलाना है और आपको संडे राइड्स भी करना है, फैट बाइक चाहिए, तो सुजुकी जिक्सर SF 250 जो आप चेकआउट कर सकते हो। या फिर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब अगर आपको सिटी में ज़्यादा चलाना है और संडे राइड्स इतना नहीं करना है, तो आपको जो इसका नेकेड वर्जन खरीदना चाहिए। इसका नेकेड वर्जन भी जो है काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, अगर आपको उस पर व्लॉग देखना है तो आप जो है मेरे चैनल पर ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। सो ये था मेरा शॉर्ट एंड स्वीट रिव्यू ऑन द सुजुकी जिक्सर SF 250। अगर कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा मुझे ज़रूर से। एंड आई एंड द व्लॉग हियर, आई होप एंड दिस वीडियो गाइस, इफ यू डिड एंजॉय दिस वीडियो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। आई विल बी मीट अगेन, दिस इज DVS व्लॉग्स साइनिंग आउट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच। एंड स्पेशल थैंक्स टू अनवित भाई जिन्होंने जो है अपनी बाइक मुझे प्रोवाइड किया आप तक पहुँचाने के लिए, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू।